कुछ लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, शरारत नहीं करती, शरारत करने वालों को सिर्फ देखकर एंजॉय करती है, डिसेंसी मेंटेन करती है। और कुछ लड़कियां शरारत करती है लेकिन बदनाम नहीं होती, और कुछ लड़कियां एंजल्स की तरह दिखती है और लगता है कि सारी खूबसूरती इन्हीं के पास हो, लेकिन वो किसी और के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और कुछ लड़कियां डेंजरस होती है, जैसे कि सारी अय्याशी करना उन्हीं का काम हो। लेकिन अब आप जिस लड़की को देखने वाले हैं, किसी भी हीरोइन के बारे में ऐसा मत सोच यार। अरे सुनो, फिल्म के अंदर बहुत सी बातें हैं। टेंशन मत लो। अरे अब ओपनिंग सीन में इतना एक्सपेक्ट मत करो। पहले हम जाकर सीट में बैठेंगे, बाद में सब कुछ ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। हाँ तो ठीक है ना, रात को क्रिकेट मैच देखा तूने? नो 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 नो, पिच की प्रॉब्लम है ये मैं नहीं मानता। पिच तो बहुत फ्रेश लग रही है। ठीक कहा ना मैडम? मुझे देरी हो रही है, ऑफिस जाना है। हाँ। आप उठे तो मैं गाड़ी निकालूं? ओके 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 ओके। सॉरी, पता नहीं मैं क्यों भूल से हर दिन आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अरे किसने मेरी गाड़ी का टायर निकाला? मैंने मैंने। वो बोर्ड देखो, यहाँ टू व्हीलर की पार्किंग है। एक्स्ट्रा व्हील मेरे बॉस को पसंद नहीं है, इसलिए तेरे रिक्शा का एक व्हील मैंने उखाड़ दिया। ये ले तेरा व्हील, मैकेनिक से लगवा ले। ओके, हाँ अब दोबारा तुमने यहाँ पार्क किया तो व्हील मिलेगा, रिक्शा नहीं। बाय। कमीना कहीं का। आहा, थोड़ी देर और टाइम पास करने के लिए सुहानी मैडम मिल गई। वन टू थ्री। हेलो मैडम, गाड़ी वहां क्यों लगा रही हैं? उधर लगाइए, लेफ्ट साइड में। या, वन टू थ्री। अभी बताता हूं इन्हें कि पार्किंग वाले का पावर क्या होता है। ओ मैडम, गाड़ी वहां क्यों लगा रही है? वहां बड़े साहब की गाड़ी खड़ी होगी। एक काम कीजिए, वहां लगा दीजिए ना। कोई हेल्प चाहिए क्या मैडम? नमस्ते मैडम, यहाँ मेरा राज चलता है। कल आज ऑफिस में बहुत काम है, सच में पता नहीं। क्या मस्त मस्त लड़कियां हैं, लगता है इनके घरों में कपड़ों की कमी होगी। जाइए मैडम। इतना परफ्यूम लगा कर जैसे इनके बाप की फैक्ट्री है। मैडम जरा आप रुकिए, लिफ्ट फुल हो गया, अगले ट्रिप में जाइएगा। रुको सुनो। वो देखो, वो आ रही है। आ!
प्रोजेक्ट की सीडी, अब बॉस से क्या कहूंगी? ये क्या किया तुमने? प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ है? सर वो मुझे रीजन नहीं, रिजल्ट चाहिए। मैंने तुम्हें जो कल काम दिया था उसका क्या हुआ? किया था सर, लेकिन तेरी लेकिन मुझे पसंद नहीं। आज चाहे जितना टाइम लगे इस फाइल को कंप्लीट करके जाना, कंप्लीट नहीं हुआ तो कल से आने की जरूरत नहीं। यू कैन गो नाउ। हनुमान मेरी रक्षा करो, हनुमान रक्षा करो। गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको दवाई दी है और कल सुबह तक आराम करने के लिए कहा है। कल हॉस्पिटल जाकर आपको एक्सरे निकलवाना होगा। मुझे सुबह तक यहीं रहना पड़ेगा। आप अगर इतनी तेजी से गाड़ी नहीं चलाते तो ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं कह रही थी कि डॉक्टर ने आपका इलाज करने के लिए कहा है, मैं दूध लेकर आती हूँ। मैंने आपका बैग छुआ नहीं था, बस यहाँ लाकर रख दिया था। मुझे पता है तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी जान बचाई तुमने उसके बदले में। हाँ?
गन देखते इतना डर गई तुम? मेरा लाइसेंस ही रिवॉल्वर है, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए मेरे जैसे लोग इसे मेंटेन करते हैं। डरो मत, अगर तुम नहीं आती तो मेरा क्या होता? कोई छोटा सा गिफ्ट देकर मैं अपनी जान की कीमत नहीं लगा सकता। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, आप दूध के साथ दवाई ले लीजिए, मुझे घर भी जाना है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब पीछे से कोई गाड़ी आ जाती तो मेरी जान चली जाती, भगवान की दया से मैं बच गया। हमारा परिचय भी नहीं हुआ है, मेरा नाम किशन कुमार है, तुम्हारा नाम? क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं सर। डरो मत, बोलो। गन से हिम्मत आती है ना सर, अगर किसी से बदला लेना हो तो इससे उसे खत्म कर सकते हैं। खत्म करने के लिए खाली गन ही नहीं चाहिए, बुलेट्स भी चाहिए। आपने कभी किसी को मारा है क्या? तुमने कभी कोई एक्शन फिल्म देखी है? नहीं सर। वीडियो गेम खेलती हो? फिर गन को देखकर इतना एक्साइट क्यों हो गई? नहीं। देखो बेटी, मुझे तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें जो कहना है कहो, डरो मत। मैं अभी नहीं डर रही हूँ सर, हमेशा से डरती आई हूँ। कुछ कहना हो तो डर, कुछ करना हो तो डर, कुछ देखना हो तो डर, क्योंकि सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, सभी मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं। अगर मेरे पास हिम्मत होती, अगर ये आपकी गन मेरे पास होती तो मैं सबको खत्म कर देती। खत्म करने से बदला पूरा होगा क्या? जिंदगी में हर कोई इंसान एक बार तो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर तुम्हारी तरह सोचता है। देखो, जिसकी वजह से तुम एक दुख सह रही हो उसकी वजह वो लोग नहीं, तुम खुद हो। आपने सही कहा सर, इसीलिए तो आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, हमेशा सबसे हार मानती आई हूँ। मैं तुम्हें जीतने का मौका देता हूँ, जीत कर दिखाओगी क्या? वो कैसे सर? ले लो। नहीं, मैं इसका क्या करूंगी सर? अब तुम डरना छोड़ दो, अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी, जाओ सबको खत्म कर दो, ले लो। नहीं सर, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम पर जुर्म करने वालों से तुम डरती हो, लेकिन जिस पर निशाना लगाता है उसे नहीं डरता, क्योंकि इस गन के अंदर दम है, जाओ उन्हें मार दो। एक बार ट्रिगर दबाया तो सामने जो है खलास। अब तक तुम पर जिसने भी जुर्म किया है उसे तुम जाकर इस गन से सजा दे सकती हो। इसमें एक बुलेट है, इससे एक आदमी को मारने का मौका है, जाओ जाकर जिस पर ज्यादा गुस्सा है उस आदमी को शूट करके आओ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? बातों में टाइम वेस्ट मत करो, हिम्मत से जाओ, ये गन मेरा है, अंदर का बुलेट मेरा है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं देख लूंगा। मेरी जान बचाने के बदले में मैं तुम्हें एक सुनहरा मौका दे रहा हूँ। तुम्हारी नजर में तुम्हें कौन बड़ा गुनहगार लगता है? उस आदमी को शूट करने का चांस मिल रहा है, जाओ ढूंढो उसे, ढूंढो, मार दो उसे। डोंट वेस्ट द बुलेट, डोंट वेस्ट द चांस। कल सुबह सूर्योदय के साथ साथ तुम्हारी खुशी भी देखना चाहता हूँ। रुको, कैसे जाओगी? ये लो, कल सुबह 8 बजे मेरी फ्लाइट है, उससे पहले आ जाना।
मस्त आइटम हमारे लिए खींच के फोटो खींच। रुकना, अभी फोटो निकालता हूँ इसकी मैं। अरे यार, अरे भाई मेरे को भी बताना यार, पहले तो सारी फोटो खींच ले। जरा मुझे भी दिखाना। टू क्या लग रही है यार, हाय हाय। तो ऑन करके जल्दी भेजना यार। अबे चुप रह यार, ये शेयर करने वाली फिगर नहीं, सेव करने वाली फिगर है। अरे बिना मिस किए मैं सभी को मेल करता हूँ। सुपर दिख रही है ना? सही है बॉस। ठीक है यार। अरे हाय हाय। ए काम में डिस्टर्ब मत करो यार, मैटर सीरियस हो जाएगा। हेलो, चुप चुप के लड़कियों की फोटो निकालते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये मैं कैमरा कैसे काम करता है ये देख रहा था मैं तो ये फोटो शूट नहीं, जस्ट ट्रायल शूट कर रहे थे। मस्त खींचा यार, एल्बम करके दे सकते हो ना? हाँ तो करके दो क्या? ठीक है, तुम देना तो चाहते हो पर हमें लेना है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा ना। अरे फोटो कहाँ है? उसी में तो है। सॉरी यार, तुमने फोन चेक करने के लिए हमारा फोटो निकाला था, हमने ऑप्शन चेक करने के लिए उसे डिलीट कर दिया। ये क्या, तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज गए? अब कभी दोबारा फोटो मत खींचना। ए जाकर अपना काम कर। हेलो, वो यहीं रहेगा, हमें जाना होगा, चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे अरे अरे, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सुहानी आ गई क्या? आती ही होगी, टाइम हो गया। ठीक है, ये लो भगवान का प्रसाद। अचानक आप अकेले मंदिर चले गए, पगार बढ़ा है क्या? तुम हमेशा मेरे पगार के पीछे पड़ी रहती हो। सुहानी आज आखिरी इम्तिहान देने गई है ना? हाँ हाँ, देकर अच्छे से लिखकर घर भी लौट रही होगी। सिर्फ देकर आने से क्या होगा, भगवान से मन्नत मांग कर आया हूँ कि मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पास हो। ठीक है बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है। शर्मा जी। कौन है? श्यामू। अरे जिग्नेश भाई, आओ 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 बैठो, इतने साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, अभी तक तुम मुझे भूले कैसे नहीं? भूल सकता हूँ भाई, मैं जैसा पहले था वैसा ही हूँ, लेकिन तू मुझे भूल गया। अरे इसे पहचानती हो लक्ष्मी, मेरा यार जिग्नेश। कैसे हैं भाई साहब, बच्चे कैसे हैं आपके? बहुत अच्छा हो, उन्हीं के काम से आया हूँ, बड़े बेटे की शादी पक्की हुई है। आप तो न्योता देने आया हूँ। बहुत अच्छा, अच्छी खुशखबरी लेकर आए हो। ठीक है, आजकल बिजनेस कर रहे हो क्या? बिजनेस नहीं दोस्त, जॉब कर रहा हूँ। कौन सा जॉब, मुझे कभी बताया नहीं। बीबी बच्चों को नहीं बताया, तुम्हें कैसे बताता? सीबीआई में हूँ। सीबीआई में? बहुत अच्छी नौकरी है। नौकरी तो अच्छी है लेकिन बड़ी मुश्किल है। असल में मेरे डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं मुझे ही पता नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट को पता होता है। मतलब मेरा काम कोई किसी लड़की को छेड़ रहा हो, कुछ हो जाए, माफिया हो, ड्रग्स हो, ऐसा किसी आदमी को पकड़ना हो तो तुरंत चले जाते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और अंदर कर देते हैं। ये रहा मेरा कार्ड। वो सब तो ठीक है, अब हमारी पोजीशन देख लो। ओके। तुम मेरे साथ बैठे हो। ओके। अचानक उनका फोन आएगा। ओके। तुम जा नहीं सकते तो फिर? यही मेरे डिपार्टमेंट की खासियत है, इस नंबर पर फोन आया समझो, मेरे अलावा और लोगों के पास भी फोन चला जाएगा, जो भी स्पॉट के करीब रहेगा वो अटेंड कर लेगा, काम कर लेगा और काम खत्म। पहले हम कॉलेज के दिनों में बिछड़ गए थे, दोबारा अपने बच्चों की शादी में मिल गए। देखो मेरे बेटे की शादी में आप सब जरूर आना। देखो बहन, शादी में अगर कोई नहीं आया तो मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा। आता हूँ दोस्त, आता हूँ बहन। ठीक है। हाय लच्छू। आ गई तू? क्यों आंटी, रोमांस चल रहा है? अंकल घर पर है? ए बकवास बंद कर। ये ले बेटी। ये क्या आंटी, नारियल क्यों दे रही है? खा लो बेटी, भगवान का प्रसाद है। ओ प्रसाद है, क्यों आंटी? आपकी बेटी को रैंक मिले इसलिए हमने पूजा करवाया। हाँ? सुहानी को रैंक की जरूरत नहीं, सिर्फ पास हो जाए इसलिए तो भगवान की पूजा करवाई है। वो पास हो जाएगी आंटी, डेफिनेटली पास हो जाएगी, क्योंकि मैंने कॉपी करके जो भी लिखा है वो आपके बेटे के पेपर से ही है ना? बदमाश लड़की। सॉरी बाय। रुको। क्या हुआ जी, आप घर आए तो बस ट्रैफिक पुलिस की तरह मुझे यहाँ वहाँ भगाते रहते हो, क्या बात है? सुहानी जाग गई क्या? नहीं, कॉफी देकर जगाने जा रही हूँ। तुम्हारे पास दिमाग है क्या? कमाल करते हैं आप, मेरे पास दिमाग होता तो आपसे शादी करती। बकवास बंद करो, बेड कॉफी का मतलब नींद से जागने के बाद देते हैं और तुम नींद से जगाकर कॉफी देने जा रही हो, बाद में दे देना, जाओ। कॉफी देती हूँ तो इन्हें तकलीफ, नहीं देती हूँ तो उसे तकलीफ, दोनों के बीच में मैं सैंडविच होती जा रही मम्मी। अब सबेरा हुआ है महारानी का। चिल्लाओ मत, पापा सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। इतना ही डर है तो सोती क्यों हो, सुबह जल्दी जाग जाना चाहिए ना। ठीक है, कल सुबह से ऐसा नहीं करूंगी। क्या बात है, आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं हमेशा अच्छी दिखती हूँ।
तुम ही भूत की तरह दिखती हो। लो पहले ये क्लिप लगा लो। थैंक्स मामा। वैसे ये बताओ तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया? और किसने, मेरी माँ ने। अच्छा तो क्या मेरी माँ मुझे नहीं सिखाएगी? छोड़ो मुझे, तुम खाना पकाना सीखोगी? हाँ 12-1 बजे तो सो कर उठती हूँ, अभी आकर मुझे मस्का मार रही हो। देखो मस्का मारने वाली बात तुम्हें पता चल गई है, इसलिए अब डायरेक्टली पूछ रही हूँ। मम्मी कॉफी दो ना। वेलकम मैडम, ये मार्केट में नया आइटम है, रेट कुछ ज्यादा है लेकिन सेल अच्छी हो रही है, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मुझे ये गिफ्ट में दोगे क्या? तुम्हें एक चुमा दूंगी। सॉरी मैडम, मैं यहाँ का वर्कर हूँ। सो व्हाट, पहले ये इसी शॉप का ओनर था, ऐसे गिफ्ट देकर वर्कर बन गया। ये देखो बहुत अच्छा है ना? रियली बहुत सुंदर है। मैं ले लूं? हे स्वीटी। अनीता ये बहुत सिंपल और क्यूट सी है ना? बहुत अच्छी है, मैं भी लेती हूँ। मिस्टर इसे पैक कर दीजिए। हे ये बहुत प्यारी है ना, व्हाइट मेरा फेवरेट कलर। या इट्स सुपर, मुझे दे दो। ए ये बहुत नाइंसाफी है, मेरा फेवरेट तू ले लेगी तो फिर मैं क्या लूंगी? हाँ देख यार, सारी लड़कियाँ सिर्फ अपने पसंद की चीजें खरीदती हैं, लेकिन मैं तेरी पसंद की चीजें खरीदती हूँ। सिर्फ यही नहीं, मेरे इस्तेमाल की हर चीज तेरी पसंद की होनी चाहिए। ए अनीता एक बार लाइफस्टाइल में चलते हैं यार। वहाँ क्यों? लास्ट टाइम वहाँ मैंने एक ब्रेसलेट देखा था, वो खरीदना चाहती हूँ। क्या कह रही है यार, तुझे वो चांस ही नहीं मिलेगा, मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। किसी लड़के को पसंद करके मुझे बताएगी ना, तब देख लेना उसे उड़ा के ले जाऊंगी। उतर पहले नीचे उतर। नाराज हो गई, ड्राइव करो। ओके मेरे पसंद के लड़के को भी उड़ा लूंगी क्या? इतना गुस्सा क्यों करती हो, मैंने तो सच्चाई बताई। मेरी पसंद का लड़का, एक बार वहाँ देखो, ये बहुत स्टाइल मारता है, मुझे बहुत पसंद है। अब जो करना है करो। ऐसा क्या? हेलो बॉस, हाय, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? चुप रहो, मैंने जोक किया था। चलो फास्ट फास्ट। सॉरी, देखा तूने तेरी शरारत से उसकी क्या हालत हो गई है। दैट्स अनीता। कहाँ ले जा रही हो? फिल्म देखने। अभी क्यों फिल्म देखनी है? तू इतनी जल्दी घर जाके क्या करेगी, तेरी शादी हुई जो पति की सेवा करेगी? स्टूपिड, ज्यादा मत बोलो, देर हो गई तो पापा मुझे डांटेंगे, इसलिए कह रही हूँ। आज तो मैं फिल्म देखने के बाद ही घर जाऊंगी। शिट, जल्दी है, गॉफ को समझती नहीं है। माँ डोंट डिस्टर्ब मी, बचपन से देख रही हूँ, मेरी स्कूल फीस भरने के लिए पापा ने कितनी मुश्किलें सही हैं, मेरी एग्जाम फीस भरने के लिए उन्होंने कितने पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं, इसी तरह केजी से लेकर एमबीए तक मेरा कितना ख्याल रखा है आप लोगों ने। इतने अच्छे माँ बाप को छोड़कर इतनी जल्दी शादी करके मुझे यहाँ से नहीं जाना है। माँ क्या करूं? फिर तू करना क्या चाहती है बेटी? जॉब करूंगी माँ। आखिर तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है बेटी? लच्छू मेरी बात तो सुनो, पढ़ने वाले बच्चों का हर साल रिजल्ट आता है, लेकिन पढ़ाने वाले माँ बाप का एक ही रिजल्ट होता है, वो अपने बच्चों की कामयाबी देखना चाहते हैं। मैं भी कामयाबी पाना चाहती हूँ, आप लोगों को खुश रखना चाहती हूँ। प्लीज माँ थोड़े दिन तो जॉब करने दो, उसके बाद शादी कर लूंगी। ठीक है लक्ष्मी, उसका मन है, करने दो। सॉफ्टवेयर कंपनी, ये अपने काम का नहीं है। ए इसे राउंड क्यों नहीं करते? कौन सा? केबी रेसिडेंसी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है। ऐसे जॉब हम कैसे कर सकते हैं? 5-स्टार होटल का जॉब है यार, सिलेक्ट हो गई तो सेंट्रली एसी में बैठी रहोगी और वहाँ पर आने वाले वीआईपी सेलिब्रिटी से मिलती रहोगी, इतनी सारी खुशियाँ, वहाँ के स्पेशल डिश, आहा लग्जरी लाइफ एंजॉय करोगी। और वैसे भी ऐसे जॉब में काम बहुत कम रहता है और सैलरी बहुत ज्यादा, तू ज्यादा सोच मत यार, जॉब के लिए अप्लाई कर दे बस। इस जॉब के लिए बहुत लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है, बट इस स्टेज से पहुँचने वाले आप दोनों ही हैं। मे बी नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम वील कॉल यू फॉर अ फाइनल इंटरव्यू। ओके ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सर। आखिर तुम
करना क्या चाहती है? एक तरफ नौकरी पे जाने की बात करती है, दूसरी तरफ हाथों में मेहंदी लगा कर बैठी है। लच्छू, वो प्रोफेशन है, ये ट्रेडिशन है, लगाओ। क्या बात है, आज माँ बेटी आपस में बैठकर बातें कर रही हैं। क्या बोलूं, मेहंदी लगाने की जिद कर रही है। अरे सुहानी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, आज तो फाइनल इंटरव्यू है ना, अनीता कब से रेडी हो गई? क्या? लेकिन उसने मुझे बताया तक नहीं। हेलो अनीता, कहो, तुम जा रही हो क्या? हाँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? तेरे ही घर पे आ रही हूँ यार, 5 मिनट में वहाँ आ जाऊंगी। ओके अनीता, पता नहीं मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे यार, हम कोई इंडिया बॉर्डर पर जंग लड़ने नहीं जा रहे, 5-star होटल में जॉब के लिए जा रहे हैं, बिना मतलब टेंशन मत ले यार। अभी गाड़ी भी ना, ओहो, इस गाड़ी को यहीं रुकना था। शिट, तेरे साथ साथ ये गाड़ी भी टेंशन दे रही है। एक आइडिया है, दोनों लेट जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, तू टैक्सी पकड़ कर चली जा, मैं गाड़ी मैकेनिक को देकर आती हूँ। ओके, तू जल्दी आना, लेट मत होना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। ओके, ये कार तो ले ले, अपना इंटरव्यू इस जगह पर हो रहा है, तो बिना टेंशन लिए जवाब दे देना। ओके सुहानी, संभल कर। ओके, तुम जाओ जल्दी। हाँ, टैक्सी। शिट, ये स्कूटी भी ना टाइम पर रुक जाती है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहानी है सर, यह इंटरव्यू है, अटेंड करने आई हूँ। इंटरव्यू है या इंटरव्यू है? एक्सक्यूज मी, अरे वाह, इंग्लिश बोलती है। इस रेंज के कस्टमर को इम्प्रेस करना हो तो इतने इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। पीछे कौन आ रहा है देखो। सर, मैं सच में इंटरव्यू के लिए आई हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे सर्टिफिकेट देख सकते हैं। हवाला चलो, वहाँ सब दिखा देना, ले चलो इसको। यस सर। सर, सर, लिसन टू मी, सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए सर। एक ही बात बार बार दोहरा कर दिमाग खराब मत करो, पुलिस को सबूत चाहिए। तुम्हारा रोना धोना नहीं, बाल बना कर आई हो, हाथों में मेहंदी लगा कर आई हो, अच्छी ट्रेडिशनल बनकर आई हो, यहाँ तक सब ठीक है, अब सर्टिफिकेट्स और इंटरव्यू का बहाना क्यों बना रही हो? नाटक मत करो। सर प्लीज, आपने मेरी फ्रेंड को फोन किया है ना, वो आ रही होगी, आने तक वेट कीजिए प्लीज। आने दो, तेरी जैसी लड़की को यहाँ पर बचाने के लिए कौन आता है, मैं भी देखता हूँ। सुहानी, अनीता, अनीता, क्या यार, क्या हुआ? मैं इंटरव्यू के लिए उसी एड्रेस पर गई थी, वहाँ से ये लोग मुझे पकड़ कर लाए और इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने एड्रेस दिया था? भूल गई क्या? तूने तो टैक्सी में जाने को कहा था। ए, पागल की तरह बात मत कर, मैं तुझे यहाँ छुड़ाने आई हूँ, अब तो मुझे ही फंसा रही है। अनीता, ऐसे मामलों में जोक मत करो यार, तू नहीं तो मुझे काट दिया था। मैंने दिया था? ओके, वो काट तो दिखा। एक मिनट, अरे वो तो टैक्सी ड्राइवर के पास रह गया होगा। सर, मैं इसकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और ये मुझे ही फंसाना चाहती है। नहीं नहीं सर, इस सोसाइटी में मैं रिस्पेक्टेबल फैमिली से हूँ सर, मुझे इतनी रात को पुलिस स्टेशन नहीं आने दे रहे थे, अब मुझे इस केस में इन्वॉल्व मत कीजिए सर प्लीज। अनीता, ये क्या किया तूने? ये सवाल तो मैं भी तुझसे पूछना चाहती हूँ, इतना घिनौना काम क्यों किया? इतने हद तक गिर सकती हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शट, अनीता, तेरी क्लोज फ्रेंड थी ना, उसके आने के बाद सच्चाई पता चल जाएगी, यही कहा था ना, अब तो तेरी हकीकत सामने आ गई ना, अब तो अपना गुनाह कबूल कर ले। सर, मुझे एक मौका दीजिए, कल मेरी बेटी एक इंटरव्यू के लिए गई थी, आप एक बार उनसे भी बात कर लीजिए। ओहो, कल भी गई थी क्या? क्या करेगी बेचारी? सर, इस तरह की बातें मत कीजिए सर प्लीज। हेलो सर, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है सर। सर ओके सर, इस बार के लिए छोड़ देता हूँ सर। तेरा टाइम अच्छा है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा मिल गई ना तब दिखाऊंगा तुझे। सर, इनके बारे में हमने इंक्वायरी की है, पड़ोस के लोग इन्हें अच्छे परिवार का बता रहे हैं। ठीक है, साइन करके ले जाओ इसे, सिफारिश बड़े बड़े लोगों की आ रही है।
देखो हम जिंदगी को इतना समझते हैं फिर भी दुख हो रहा है। वो तो बच्ची है अभी, उसे तो सदमा पहुंचेगा ही। संभालो अपने आप को। बात करो नीता, मुझे मेरा जवाब चाहिए। तुमने वहां झूठ क्यों बोला? सी, मुझे लग्जरी लाइफ कितनी पसंद है ये तू भी जानती है, इसलिए तो मैंने 5-स्टार होटल में जॉब है सुनते ही नौकरी के लिए अप्लाई कर दी। अगर तू इंटरव्यू के लिए आती तो मुझे वो जॉब नहीं मिलती, इसलिए तुझे इंटरव्यू के बारे में मैं बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरी माँ की वजह से पूरा मैटर लीक हो गया और तुझे डाइवर्ट करने के लिए मैंने वो रॉन्ग एड्रेस दिया। लेकिन एक बात है, वहाँ पुलिस कैसे आई, रेड कैसे पड़ी, शायद ये तेरा बैड लक था। तो ये सब पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया? ऑफ कोर्स बता सकती थी सुहानी, तू पुलिस रेड में पकड़ी गई थी इसलिए कम से कम मैं पुलिस स्टेशन तो आई। लेकिन अगर तू मेरी जगह पर होती ना तो मेरे लिए गवाह देना तो दूर की बात, पुलिस स्टेशन में आकर मुझसे मिलने तक नहीं देती तेरी फैमिली, खासकर तेरे पिताजी मिस्टर श्याम प्रसाद शर्मा। अरे एक दिन तेरे घर में बिना बताए फिल्म दिखाने क्या ले गई तुझे? तेरे पिताजी ने मुझसे कहा आज के बाद हमारे घर मत आना और मेरी बेटी को आइंदा बिगाड़ने की कोशिश मत करना, हमारा परिवार तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं है, इसीलिए तो मैं पुलिस स्टेशन आ सकी थी। ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरे पापा हमें सावधान रहने को कहते हैं, इसमें क्या गलत है? अरे आफ्टर ऑल एक जॉब की खातिर तूने हमारी दोस्ती भी भुला दी। हेलो गिव मी अ ब्रेक, फ्रॉम द बिगनिंग डे मैंने अनजाने में कुछ नहीं किया यार, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से किया। बचपन में एग्जाम हॉल में तेरे पेन का इंक खत्म हुआ तो मेरा पेन इसलिए दिया ताकि तू एग्जाम लिख सके, अगर तू नहीं लिखेगी तो तेरा पेपर देकर मैं कैसे कॉपी मार सकती थी? मेरे पास खुद की गाड़ी होते हुए भी कॉलेज के लिए बस में तेरे साथ क्यों आती थी पता है तुझे? तेरी कंपनी चाहिए थी, तेरी कंबाइंड स्टडीज चाहिए थी। हम दोनों जब साथ साथ रहते थे लड़के मुझे देखना छोड़कर तुझे देखने लगते थे और ये सब देखकर मैं बहुत जलस होती थी। तेरी पसंद की चीजें मैं खरीदकर मेरे नापसंद की चीजें तुझसे खरीदवाती थी, ये सब तुझे सच्ची दोस्ती लगती थी पर मैं तुझसे बदला लेती रहती थी। चलो अच्छा हुआ सारी सच्चाई सामने आ गई, नहीं तो पता नहीं तुझे और कितनी मुश्किलें सहनी पड़ती। तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पहले तो नीचे जाकर अपने माँ बाप के आंसू तो पोंछ, मैं चलती हूँ, कल मुझे ऑफिस में बहुत काम है, दिन भर बिजी हूँ, शायद मैं तुझसे मिल भी ना पाऊँ। गुड बाय। गुड बाय। कौन है? अरे सुहानी वहां क्यों खड़ी हो बेटी, अंदर आओ। क्या बात है सुहानी, इतने दिनों के बाद और वो भी इतनी रात को। आंटी वो मैं तुम बता नहीं सकती तुम किस लिए आई हो, मुझे पता है अपनी फ्रेंड की याद आई होगी ना, वहां बैठो मैं अभी आती हूं। इस तरह क्या देख रही तू? इतना तमाशा होने के बाद भी तुझे कुछ समझ में नहीं आया? तू सिर्फ देख सकती है कुछ कर नहीं सकती क्योंकि तू एक स्टूपिड है, तू एक प्रो स्टूपिड है। क्यों परेशान सी हो बेटी, उसने कुछ भला बुरा कहा क्या? नहीं बेटी उसे इस तरह मत देखो, अब वो तुम्हारे गुस्से के लायक नहीं है, मरने के लायक हो गई है।
तुम्हारे साथ उसने जो भी किया वो गलत था। दोस्ती की आड़ में तुम्हें धोखा देकर पढ़ाई में पास तो हो गई, लेकिन ऐशो आराम के चक्कर में सब कुछ खो दिया उसने। लेकिन जिंदगी में फेल हो गई वो। क्या हुआ आंटी? उस दिन तुम्हें झूठ को सच कहने को कहा, लेकिन उस दिन इसके साथ जो अन्याय हुआ उस सच्चाई को छुपाना पड़ा। तुम्हें गलत रास्ता दिखाकर जॉब की खातिर होटल चेयरमैन के साथ जल्दबाजी में तुम पुलिस स्टेशन में दोषी बनकर खड़ी थी। उसने जानबूझकर सच नहीं बताया, पर जब ये दोषी बनकर खड़ी थी हर बार सच कहा, किसी ने यकीन नहीं किया। अब तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई ये सोचकर मैं रो रही थी। इसके पापा इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और हमेशा के लिए चले गए बेटी। पिता की मौत देखकर ये फूट फूट कर रोने लगी। हमें लगा कि दुखी है वो, किस हद तक गिर गई है ये सोचकर वो आत्महत्या करने चली गई थी। शायद वो पश्चाताप करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। वो पागल हो गई है बेटी, पागल हो गई है। तू एक स्टूपिड है, तू एक इडियट है, तू एक बदमाश है। मैं जा रही हूँ आंटी। MH 4748। Very good, Swani. You're selected. कल से आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। इट्स ओके। हे तुलसी माँ, हमारी रक्षा करना, हमसे गलती हुई तो माफ करना। पापा, मुझे प्रज्ञा बिजनेस कंसल्टेंसी में जॉब मिला है, कह रहे हैं कि ज्वाइन हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। क्या बेटी, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तू जॉब करना चाहती है? लक्ष्मी, जिंदगी में कुछ इंसिडेंट को एक्सीडेंट समझ कर भूल जाना चाहिए। कोई आगे बढ़ना चाहता है तो रोको मत, तुम जाओ बेटी। थैंक्स पापा। खुश रहो। सुहानी, आप भी इसे रोकते नहीं है। देखो, बच्चों को सिर्फ चलना सिखाना ही माँ बाप का फर्ज होता है, उसके बाद उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने दो और आगे बढ़ने दो। देख रही हो ना, कुछ दिनों से कितनी उदास है, थोड़ी जॉब वॉब करेगी तो सारा दुख भूल जाएगी, जाने दो। पापा, ये मेरे लिए है। हाँ बेटी, ये तुम्हारे लिए ही है। जाकर आती हूँ माँ। बाय बेटी। मंदिर में पूजा करके जाना बेटी। हाँ हाँ। हाँ। सॉरी, सॉरी, सॉरी पंडित जी। ए छोरी, बड़ी मस्त लग रही है रे, चल मस्ती करते हैं। ए छोरी, सॉरी बोलने से काम चलेगा क्या? अचानक हो गया ना भाई, सॉरी बोल रही है ना। ए पंडित, तेरी पूजा हो गई ना, पैसा लेके बाजू आ, अपन देख लेंगे। जहाँ जहाँ मार लगा है बता रहे ला, वहाँ की मसाज कर दे, हम दोनों को बहुत मजा आएगा। ए माचिस आ गया। अरे यार, ए तुझे क्यों मार रहे हो? तेरे पास आ गया। अरे जाना यार। देगा या नहीं? नहीं जा। शिव शिव, आप यहाँ से जाइए, साबुन की धुलाई करते रहेंगे। क्यों मारे लाए? छोड़ मुझे। अरे अरे छोड़ मुझे, छोड़। अरे कौन है भाई तुम, कौन है? अभी मैंने पूछा क्या? नहीं पूछा,
ठीक है, मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं है, दो दम मार ले। थैंक्स भाई, आपको सिगरेट लिए हुए देखा तो मैंने सोचा आप भी उन्हीं में से एक हैं। स्मोकिंग छोड़ दिया मैंने, आपने सही समझा, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। मेरी जानी, खेल खत्म। गाड़ी निकाल। हाय हाय, इतनी लेट कैसे होगी? पापा ने नई गाड़ी दिलाई है तो पूजा करने के लिए गई थी। हाँ, आज मंदिर में मैंने एक हैंडसम गुंडे को देखा। कैसा लगता है वो? अमिताभ बच्चन जैसा लंबा, किसी को भी मारने की ताकत, तलवार जैसी आंखें। इतना जिगर वाला लड़का मतलब तेरा दिल चुरा लेगा, संभल कर रहना। नहीं नहीं, ऐसे लड़के को देखकर अच्छा तो लगता है लेकिन उन्हें देखकर डर भी तो लगता है। तू इतना डरती क्यों है बोल? हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी शक्ल दोनों ठीक नहीं है, बदलो, बदल कर फिर से पूछो। क्या चाहिए सर? इसमें एंट्रेंस है, ऑफिस में मस्त आंटी है, ये ऑफिस चाहिए, दोगी क्या? एक्सक्यूज मी, आप क्या कह रहे हैं सर? मतलब कुछ ना कुछ बात करने के लिए तुम्हारे ऑफिस में आया हो क्या? हाँ? मेरा टाइम वेस्ट किए बगैर आप किनसे मिलने आए हैं ये बताइए। ठीक है, ये ऑफिस कौन सा है? बिजनेस कंसल्टेंसी है क्या? मतलब बिजनेस कैसे करना है मुझे सिखाओगे क्या? यस सर। ओके, अगर कभी लॉस हुआ तो रिकवरी भी मिलेगा क्या? ट्राई करूंगी सर। सुपर, सुबह एक लड़की ने रुकी हुई मेरी गाड़ी को ठोक कर बिना रुके भाग गई, बाइक खराब हो गई है, अब मैं क्या करूँ बताओ? सर, आप... आपने ठोका हुआ बाइक का ओनर मैं हूँ। सॉरी सर, जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया, आपके झगड़े में बीच में आ गए। मैं तुमसे रीजन पूछ रहा हूँ क्या? रिकवरी मांग रहा हूँ, रोना छोड़कर सॉल्यूशन बताओ। मेरी बात को सुने बगैर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आराम से बैठकर सुनने के लिए तुम कोई कविता सुना रही हो क्या? कारण बता रही हो ना, मुझे नहीं जानना है। एक बात बताओ, मेरे गाड़ी का लॉस हुआ है, रिकवरी मिलेगा या नहीं? देगा या नहीं? नहीं जा। सर प्लीज सर, यहाँ आप झगड़ा मत करिए, हम कहीं बाहर जाकर बात करेंगे। मतलब लॉन्ग ड्राइव पर जाके बात करने के लिए हम दोनों को लवर है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मैं इस ऑफिस में अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, अगर मेरी वजह से कोई लफड़ा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी सड़क पर जगह खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। रोड पर रुकने की क्या जरूरत है सर, रोड के आखिर में कॉफी शॉप है, आराम से वहाँ बैठेंगे ना। क्यों, ऐसे नहीं बैठ सकते क्या? सर प्लीज सर। ठीक है, जाकर वहाँ वेट करूँगा, बट वन कंडीशन, तुम्हारे आने तक मैं जितना कॉफी पीऊंगा सबका बिल तुम भरोगी, ओके ना? ओके सर। ये कॉफी ऊपर फायदेमंद है सर। क्या है? कॉफी ज्यादा पीने से हेल्थ खराब होती है सर। फालतू सलाह मत दो, अब मैं बियर बार जाकर बियर पीना शुरू कर दिया ना, बिल भरने के लिए तुम्हें जायदाद बेचना पड़ेगा, काम खत्म करके जल्दी आओ। जानी, क्या मुसीबत है, जाकर मुझे इसी सर फिरे से टकराना था क्या? शट योर माउथ। मेरी बात समझे प्रीति, मैं कुछ सुनने वाली नहीं, बहुत बहाने हो गए तुम्हारे। बस बहुत प्रीति, मेरी बात सुनो, देखो मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, प्रीति सुनो सुनो प्लीज, प्रीति प्रीति ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कुछ नहीं समझना प्रीति। हां सर। क्या देख रहा है? कुछ नहीं सर। आज ही ज्वाइन किया क्या? हां सर, आज ही ज्वाइन हुआ हूं। अच्छी बात है, पहले ट्रे सीधा रखो, हर रोज ऐसे ही लोग मिलेंगे। वो क्यों सर? दिल पे मत लेना, ऐसे जगहों पर बिल भरते हैं लड़के, नखरे दिखाती हैं लड़कियां। लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं सर? तुम जानने के लिए पूछ रहे हो या मुझे पता है या नहीं ये देख रहे हो? सॉरी सर, ऐसे ही पूछ लिया। देखो,
इन लड़कियों के पीछे घूमने वाले मिस कॉल जैसे हैं, देखते हैं लेकिन बात नहीं करते। प्यार करने वाले वेटिंग कॉल जैसे हैं, मिलने को होता है पर टाइम पर नहीं आते। शादी करने वाले रिसीव कॉल जैसा होते हैं, फोन करने वाला वही है, इन्हीं से बिल बढ़ता है बस। अरे क्या बात है सर, मेरा अंदाज निराला है। कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन लगेगा लेकिन कंटेंट करेक्ट होता है। आखिर आप क्या हैं सर, मिस कॉल, वेटिंग कॉल या रिसीव कॉल है? मैं फेविकॉल जैसा हूँ, एक बार चिपक गया तो छुटकारा पाना मुश्किल है। आ गई तुम, बैठो। पार्क की हुई गाड़ी को ठोक कर गैराज पहुंचा दिया तुमने, बड़ी पहुंची हुई चीज हो तुम। वहां ऑफिस में तुम्हारी बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन यहाँ नहीं सुनूंगी। कितने चाहिए बताओ, दे देती हूँ। अहा, कितना दे सकती हो? गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हुई है, 1000 रुपए ले लीजिए ना। ये लीजिए। डैमेज हुई बाइक को शोरूम से लाया था। वो शोरूम का बाइक था? बात ये है कि बाइक खराब हुई है, सेकंड हैंड बाइक का मैं इस्तेमाल नहीं करता, तुम इसे अपने पास रखकर मुझे पैसा दे दो। कितना? ओ, 1 लाख रुपए होंगे क्या? अरे इतना जरूरत नहीं, सिर्फ 50 दे दीजिए। 50,000? क्यों, लाख से कम है तो दे नहीं सकती? अब तुम ज्यादा बता रहे हो, इतनी ज्यादा नहीं होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। पुलिस स्टेशन में? डायरेक्ट कोर्ट में मिले क्या? सर क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? ये एक्सीडेंट की बात सुनकर घर वाले परेशान होंगे ना। उसके लिए मैं क्या करूं? पूरे 50,000 रुपए मैं ही दूंगी, लेकिन इतना अमाउंट एक साथ देना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना सर। ठीक है, एक काम करो, पहले 1000 रुपए दो, बाकी के 49,000 बिना टेंशन के आराम से कूल होके कल सुबह दे देना। अब सर ये क्या, ऐसे भी नहीं दे सकती क्या? दूंगी सर, डेफिनेटली दूंगी, लेकिन एक बार में नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। मैं समझ गया, ऐसी कोई स्कीम डालोगी समझ गया था, इसलिए फुल प्रिपेयर होकर आया हूँ। लो ये क्या है सर? एग्रीमेंट है। इतनी छोटी सी बात के लिए एग्रीमेंट? ये देखो, इसे छोटी बात समझ रही हो ना, इसीलिए। बेसिकली लड़कियों के प्रॉमिस पे भरोसा नहीं करता, इस एग्रीमेंट पर भरोसा करता हूँ। ये क्या है सर, इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। क्या लिखा है मैंने? तुम्हारे दिल से मेरी उधारी चुकाओ, यही लिखा है। कमिटमेंट, ओके, बट ये कंडीशंस क्या है? ओ अच्छा, पढ़ो समझ में आ जाएगा। हर दिन सुबह दिखना होगा, शाम को मिलना होगा। तुम शहर में हो या भाग गई हो मुझे पता चलना चाहिए ना। कॉफी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ऐसे छोटी छोटी खुशियों को खोना नहीं, ब्याज समझना चाहिए। हाँ तो तुम्हें 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ ना। फिल्म देखने के लिए, घूमने के लिए ले जाना चाहूँ तो आना पड़ेगा। मैं अगर एक बार कहूँ तो मना नहीं कर सकती। मुझे घूमने का मन हुआ तो साथ तो चाहिए ना। नो, ये सही नहीं है। तुम ऐसा कहोगी सोचकर एक और भी ऐड किया है, उसे भी पढ़ो। ना नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, कितना भी गुस्सा हो पर चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए। गुड, वेरी गुड। ये स्माइल वैसे ही कंटिन्यू करते हुए इस पेपर पर साइन कर दो यार। क्या सोच रही हो, साइन करूं या नहीं? जल्दी से फैसला करना, तुम साइन नहीं करोगे तो मैं जाकर कंप्लेंट करूंगा। मैं सोच रही थी कि साइन ब्लैक पेन से करूं या रेड पेन से करूं। इतने पेन सप्लाई करना मुश्किल है, जो पेन है उसी से करो। अब मैं जा सकती हूँ। क्या है, बिल लाए हो? हाँ सर। टेप के साथ बिल बताओ, मैडम पे करेंगी। ओके सर। ये कौन है, बड़ा कंजूस है। मैडम साफ फेवी कॉल जैसे हैं, एक बार चिपक गए ना तो छुड़ाना मुश्किल है। थैंक यू मैडम। लेफ्ट जाकर लेफ्ट घूम जाओ, वहां से सीधे जाओ, समझ गया ना? इतने अच्छे से बताएगा तो क्यों नहीं जाएगा बॉस, आराम से जा सकता हूँ। हेलो, क्या है बॉस? देश के कोर्ट में गवाही देने से पैसा मिलता है, किसी के भविष्य बताने पर भी पैसा मिलता है। मैंने एड्रेस बताया ना, जाकर जूस लाओ। ओके बॉस। इसे हर काम में फायदा चाहिए। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। तुम अकेले ही जाओगी क्या? मैं भी चलता हूँ, चलो। ससर, जूस। थोड़ा कूल होता तो ठीक था, नेक्स्ट टाइम पिला देना, चलो। Mm-hmm.
तुम्हें इतने करीब से देखकर छूना चाहता हूँ। क्या? हाँ, पीना चाहता हूँ का? हाँ। बदला बदला सा मैं क्यों हूँ? आकाश पे स्केटिंग मैं कर रहा, ऐसा कभी भी सोचा ना, न जाने मुझको ये क्या होने लगा। बदला बदला सा मैं क्यों हूँ, आकाश पे स्केटिंग मैं कर रहा, ऐसा कभी भी सोचा ना, न जाने मुझको ये क्या होने लगा। है ये मेरी आरज़ू, तुरुरुरु मीटिंग ख्वाबों में करूँ, मैं तुझको बाहों में भरूँ, तुम ही मेरी जाहो, तुम ही मेरी जुस्तजू, छू गई है दिल को, ओ जाने जाना फूलों जैसी तेरी प्यारी हंसी। सुहानी सुहानी कितनी मधुर है कहानी, सुहानी सुहानी अब बिन तेरे कटेगी मेरी जिंदगानी। सपने हैं मन चले, दिल में है हल चले, ना दिल ये माने कहना करता मन मर्जी हमसे, तुमसे यूं मिलजुल के बिगड़े अरमान दिल के, ना आता जाता कहीं मिलना चाहे बस तुमसे। छोटी छोटी बातें समझाई मिलियन डॉलर स्माइल से, तुम ही मेरी जिंदगी महकी बहार हो। सुहानी सुहानी कितनी मधुर है कहानी, सुहानी सुहानी अब बिन तेरे कटेगी मेरी जिंदगानी। सुरमई दुनिया में है तू ही, सांसों की मखमली है सांसों में तेरी ताजगी, तूने की सरगोशी छाई है मदहोशी, तेरे आने से चहक उठी मेरी जिंदगी। तूने जलाया दिया मेरे मन में प्रेम का, गुपचुप गुपचुप बनाया दिल में घर प्रेम का। पुलिस ने उसे पकड़ लिया भाई। अरे हमको पहले ही पता था पुलिस इसको जरूर पकड़ेगी, और नहीं तो क्या, मंदिर के सामने पब्लिक से मारपीट, कल उसने सड़क पर दौड़ा दौड़ा के किसी को मारा।
बाप रे, जो नहीं होना चाहिए तो हो गया। फिर से गलती करूंगी तो पापा बहुत नाराज होंगे। जो भी हुआ उसे भूल जाती हूँ। ऑफिस से लोन लेकर इसकी उधारी चुका देती हूँ, छुटकारा मिल जाएगा। कमाल की कुड़ी है यार। अरे ये ब्लैक मिलेगी तो बहुत मजा आएगा। अरे, यार। अरे, अरे, वो पिंक वाली मेरी है। वाह क्या लड़की है यार। जाओ, कुछ ना कुछ करो, कमर पे हाथ लगाओ, उसे गले लगा लो, तुम्हें जो मन में आया करो, शर्माते क्यों? आजा, आजा, देख इस लड़की को यहाँ टच करो, जो मन में आया वो करो, हाँ इधर टच करो, उधर टच करो, हाँ हाँ जो मन में आया वो करो, कमर पे हाथ घुमाओ, तभी ये लड़की गुस्से में आकर चप्पल निकाल कर तेरे गाल पे ऐसे मार। तू ऐसे चप्पल खाएगा तो हमारे जैसे सारे मर्दों का अपमान होगा। चल देखो, लड़कियां दिखते ही शुरू हो जाते हैं। आर यू बैचलर्स? हे, ऑलरेडी कमिटेड। मैं भी कमिटेड हूँ। क्या फोटो है, क्या लगती है, क्या लगती है। साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या रे, यहाँ क्या कर रहा है? वो सुहानी आएगी क्या? नहीं आएगी तो आप चुप थोड़े रहेंगे सर, कुछ तो सोचा होगा आपने। आइडिया तो क्या है यार, लेकिन आएगी या नहीं कुछ डाउट लग रहा है। ये कैसी तकलीफ है आपको सर, आफ्टर ऑल लड़की के लिए आपको सड़क पर घूमना पड़ रहा है। कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। समझ लो कि मैं भगवान हूँ, भगवान रामचंद्र को भी सीता के स्वयंवर में जाना पड़ा था, समझ गए क्या? वही तो। ठीक है, मैं विलेन हूँ ना, मुझे हीरोइन क्यों चाहिए कहकर रावण ने सीता का अपहरण करना छोड़ दिया था क्या? नहीं ना, मैं भी ऐसे ही हूँ। आहा, आपके कामों में भगवान भी होते हैं क्या सर? होता है यार, हम जो भी करते हैं भगवत गीता में उसका कोई ना कोई रेफरेंस होता है, अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट सही मिलेगा। आप एम एफ हुसैन से भी ग्रेट हो सर, कमाल की तस्वीर बनाते हो। तारीफ मत कर, बहुत पकाया तूने, चल भाग यहां से। अरे जानी, थोड़ी देर पहले आती तो मेरी हीरोगिरी देखती, इसे कुछ ना कुछ झलक दिखाऊंगा, नहीं तो रिवर्स पे मुझे दे दी। क्या है, दो दिन से कहाँ थी? लगता है मुझसे डर नहीं रही हो तुम। ऐसे मत देखो, तुम्हें पता है कि मेरा शरीर धक धक जलने लगता है। जल रहा है तो कहीं जाकर बुझा कर आओ। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम एक गुंडे हो। मुझे शक नहीं है, तुम्हें शक है क्या? हम दोनों की लाइफ स्टाइल अलग अलग है, तुम 5,000 के बदले 50,000 मांग रहे हो। मैं सब जानती हूँ, तुमसे उलझना नहीं चाहती इसलिए दे रही हूँ। ये लो। मेरा एग्रीमेंट दे दो। एग्रीमेंट अभी देना होगा? दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखा था। मेरी जानी, मुझे पागल बना रही है। ए सुहानी, तुम्हारी मंजिल मैं ही हूं, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। ओ वो फोन। हेलो दास, अर्जेंट। कहाँ जा रहे हैं सर? बताता हूँ, चल। और लाइसेंस, तेरा परमिट किधर है? कानून तोड़ता है, है? कानून तोड़ता है। बैठ इधर, चल इधर। अभी बताता हूँ। पकड़ सबको। हे, चल, चल इधर। लाइसेंस। चल बैठ, बैठ इधर। आगे पुलिस है। कानून तोड़। अब क्या करूँ? आपका परमिट। चलो तुम लाइसेंस दिखाओ। चलो चलो मैडम, दो आगे। हाँ चलो आगे, चलो तुम आगे चलो। करो पीछे नीली वाली डिक्की ओपन कीजिए। लाइन में, लाइन में। चल आगे, आगे चलो, आगे बढ़ो। गन मिलेगा तो क्या जवाब दूंगी? जाइए, हाँ? जाइए आगे, जाइए। अरे जाइए जल्दी।
गन कहाँ गई? इतनी रात को ऐसे अकेले गन की हिम्मत से ही तो आई थी, उसे भी खो दिया मैंने। ओफो, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां जाऊं? शे, कहां रखा होगा? क्या करूं? क्या होगा मेरा? मेरा फोन कट करती है, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन कॉफी शॉप और बीच में मजे से मुझे घुमाकर अचानक 50,000 देकर मुझे बेवकूफ बनाकर वो आराम से काम कर रही है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सर, हा? आपने एक कहानी सुनाई थी, याद है सर? कौन सी? उस कहानी में राम और रावण दोनों थे। हाँ तो मतलब इस लड़की के लिए आप हीरो हो या विलन हो सर? दोनों नहीं। आए तो फिर कौन है सर? कृष्णा है। अरे ये कौन सा ट्विस्ट है बॉस? सत्यभामा के छूट जाने से कृष्णा दुखी हुआ क्या? नहीं ना, सत्यभामा को अपने पीछे घुमाया। मैं भी उसी रास्ते पर हूँ, चल बताता हूँ, उसे एक झलक दिखाता हूँ। मेरा फोन कट करती है मेरी जानी। What is this? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? Sorry sir. इसे office समझाए कि अपना घर? ऐसा नहीं है sir. फिर क्या है ये सब? ये गुलदस्ते कहाँ से आए? बताओ बताओ, किसने भेजा है? देखो सुहानी, काम करना चाहती हो तो ऑफिस आओ, बॉयफ्रेंड के साथ घूमना चाहती हो तो कोई पब या पार्क में जाओ। इसके अलावा ऑफिस आकर अपना टाइम मत वेस्ट करो, ऑफिस का काम खराब होता है। दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। अरे तुम आ गए? मैं बाजू के फ्लैट में रहती हूँ सुहानी, संदीप को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है ना? तुम इतने गुस्से से क्यों बात कर रही हो? बैठकर आराम से बात करो ना। मुझे सलाह दे रही हैं या इसे सपोर्ट कर रही हैं? ऐसा नहीं है आंटी, प्लीज कुछ मत कहिए। ये प्रॉब्लम मेरा है इसलिए मैं ही इसे सॉल्व करूंगी। ड्राइवर को, नौकरों को, कितनों को खरीदोगे, कितनों का इस्तेमाल करोगे? मैं जानती हूँ तुम्हारी हर बात झूठी है। आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं नहीं जानती तुम्हें मुझसे क्या उम्मीदें हैं और मैं जानना भी नहीं चाहती। पर कोई भी लड़की सामने वाले लड़के से ये उम्मीद रखती है कि वो ईमानदार हो, लेकिन तुम में ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर मुझे और बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। ये सॉरी, ये गिफ्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने तुझे पैसा दिया था और उस एग्रीमेंट को फाड़ा था तब भी मैंने तुझसे यही कहा था और आज भी कह रही हूँ, आई हेट यू। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे दिल को नहीं जानते। मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज संदीप। सुहानी देखो, अगर आइंदा मुझे फोन किया या मुझे डिस्टर्ब किया तो पुलिस में कंप्लेन करूंगी, माइंड इट।
उसकी वार्निंग भरी बातें सुनकर भी अब हंस क्यों रहे हैं सब? बेचारी सुहानी बहुत अपसेट लगती है। मुझसे प्यार करने के लिए ऐसा किया, तकलीफ देने के लिए नहीं। वो समझती है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी जिंदगी में मेरा होना बहुत जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जी हाँ, वो सुहानी के लाइफ में ये संदीप भी है। सुहानी को आपसे पहले मैं जानता हूँ। मैंने सुहानी को फर्स्ट टाइम कहाँ देखा पता है? देती हूँ, रुको, सबको देती हूँ, रुको, शांत हो जाओ। ओके ओके ओके, दूंगी, शांत रहो। ओके। ये ऐसे क्या देख रहा है? तुम लोग खाते रहो, मैं अभी समोसा चखाती हूँ। इतने गौर से क्या देख रहे हो? सॉरी। ये हाथ में सिगरेट और चेहरे पर उदासी देखकर लगता है तुम बहुत दिनों से हंसना भूल गए हो, है ना? प्रॉब्लम्स हर एक के साथ है। जॉब ना मिलने पर, शादी ना होने पर, पैसा ना कमाने पर, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेते। दिन में अगर एक बार नहीं हंसोगे तो तुम अपनी जिंदगी का एक दिन खो दोगे। पता नहीं कौन सा टेंशन दूर करने के लिए तुम यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहे हो। लाइफ को एंजॉय करना सीखो, दुखी होना छोड़ो, इस तरह सोच में मत डूबे रहो। पहले सिगरेट को एंजॉय करो। और वहां देखो, सारे टेंशन भुलाकर कैसा आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह आप भी सिगरेट एंजॉय करो। लगता है आखिरी कश बचा है, शायद अच्छा टेस्ट होगा, एंजॉय। हेलो, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। शिट, बकवास सिगरेट। जब सुहानी की अच्छाई को देखा मैंने, सेकंड टाइम कॉलेज जाते हुए देखा। सॉरी, रियली सॉरी। उसकी शरारत को देखते हुए मैं फिर से उनको क्यों रेड किया? मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है सर। जिस लड़की को आपने अरेस्ट किया है उसे इमीडिएटली रिलीज कीजिए। इस रेड की बात रिकॉर्ड में भी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ गया ना? जब उसकी मासूमियत को देखा, उसे देखने के बाद मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। समीर, कोई पोस्ट खाली है क्या? नहीं है सर। किसी को अपॉइंट करना है, खाली ना हो तो भी स्पेशली अपॉइंट करो। लड़की के डिटेल्स अपने होटल में है, दैट्स माय ऑर्डर। ओके ओके सर। इतनी सेंसिटिव लड़की ऐसे एक्सपीरियंस से क्या फील करेगी मुझे पता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट अप्रोच किए बिना बाइक का सहारा लिया। ये सब मैंने प्लान से किया है, ये सब उसके प्यार के लिए किया है मैंने। आज भी मैं उसे ये सब बताना नहीं चाहता था। मेरे प्यार को समझेंगे तो काफी है मेरे लिए, मेरा तन मन।
मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ए, रुको। क्या है? सोच लिया क्या? थोड़ा टाइम मांगा था ना? अभी तो कहा मैंने, इतनी जल्दी है? मेरी एज हो रही है ना, इंतजार नहीं होगा। तुम्हें क्या पता? दूसरा कोई काम नहीं है क्या? मैं अपना काम किसी को बता नहीं सकता। क्यों? वैसे काम कर रहे हो क्या? थोड़ा ज्यादा बोल रही हो ना, इस बार माफ कर देता हूँ। मेरी जानी चुम्मा दी के जाती है। ये ऑफिस है, मैं यहाँ बॉस हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं तेरा बॉस हूँ, अब जाके मेरी जानू को ले आओ। मैं सुहानी का बॉस हूँ। आ जाओ बैठो, जाओ यार। मी? जा ना। ऐसा कहो ना, जाओ यार, रुको, पता चलना चाहिए। जा तो रहा हूँ। मेरे बारे में कुछ सोचा क्या? ये ऑफिस है। आखिर क्या समझ रही हो तुम? मेरे ऑफिस में बैठकर ये ऑफिस ऑफिस कहकर मुझे बता रही हो? वो भी कहता जा रहा, तुम भी कहती जा रही। मैं क्या है बेकार में बैठ कर टाइम पास कर रहा हूँ? मुझे भी बहुत सारे काम है। हाँ क्या है, बोल, क्यों इतना अर्जेंट? कहाँ पर आना होगा बताओ। अच्छा, मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। फोन रख दो यार, मैं बाद में आता हूँ। तुमसे बात करने से बहुत डर लगता है। तुम मुझे इस तरह बॉस की बजाय कॉफी शॉप में मिलने वाले संदीप के रूप में पसंद थे। नीचे वेट करता रहूंगा मेरी जानू। अरे ऐसा क्या यार, इतने सीरियसली पेपर पढ़ रहे हो? पेपर पढ़ने से दिमाग बढ़ता है सर। दिमाग बढ़ता है? जी हाँ सर। फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है ना। चुप रहिए सर, आप हमेशा मजाक करते हैं। पेपर पढ़ने से जीके बढ़ता है सर। अरे वाह, तेरा बढ़ गया क्या? इतने डाउट से क्यों पूछ रहे हैं सर? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं जानता। चाहे तो आप सवाल कर लीजिए, फटाक से करके जवाब दूंगा। हाँ, जो मुंह में आया बकते जाना, तुम्हें ही नहीं सबको आता है। चाहिए तो शर्त लगाता हूँ सर, आपके सवाल का अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो मैं आपको 1000 दूंगा, और अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो आप मुझे 100 रुपए देना। ठीक है सर? हाँ। बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो ये। हाँ सर। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तुम पूछो। जी सर। अमिताभ बच्चन से अभिषेक बच्चन किस चीज में ज्यादा है? अरे यार, बहुत मुश्किल सवाल है यार, और वैसे भी बॉलीवुड के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये लो 100 रुपए रख लो। अमिताभ बच्चन से अभिषेक बच्चन हाइट में ज्यादा है। अब आप पूछिए सर। अरे इस बीच वो वीर फिल्म देखा क्या तूने? हाँ मैंने भी देखा सर, 4 बार। उसमें उसका नाम गांव में वीर था, लंदन में वीर प्रताप सिंह था, हजारों सैनिकों के हाथ पर काट डालता है सर। हाइट का तूने? हाँ? हीरो का नाम ठीक है, वो हाँ? बाकी हजारों सैनिक का नाम क्या है? कौन से सैनिक सर? वही उस वीर ने मारा था, उन सैनिकों का नाम सब जानता है। पैसा दे। अरे ये अभी तक क्यों नहीं आई? अरे दास, मैं दूसरी गाड़ी में जा रहा हूं। फोकट में 1000 रुपए के वॉट लग गए। ए, इतना तेज क्यों चला रहे हो? स्लो चलाओ ना। पास बैठोगे तो डरोगी, तुम भी ड्राइविंग सीख लोगे तो डर निकल जाएगा। मैं सिखाता हूँ, आ जाओ। हाँ, पहले ये फर्स्ट गियर लगाओ, फिर इधर, फिर इधर। हाँ आराम से चलाओ। हाँ ऐसे घुमाओ। डरो मत, सामने देखो, सामने।
चांद इतना सुंदर और इतना पास है ना, मुझसे भी सुंदर है क्या? हाँ तो हम दोनों का एक फोटो निकालो। ए, हम दोनों का ये फोटो निकालते हैं। शहद की तरह तू पी ले आके जरा, दीवाना करने लगा यारा ये हुस्न तेरा मद भरा। बस तारी है शाम ये और हम तुम है तन्हा, चाहत से भर देंगे हम आज का ये लम्हा। सब कुछ खो रहा सुख सारा 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 तुझ पे लुटा दूं यारा। जो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने कर दी। मेरे माँ बाप ने मुझ पर विश्वास किया था, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी उनसे? माफ कर दो पापा, माफ कर दो मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस कॉल करता था, लेकिन आज चार दिन हो चुके हैं, एक भी कॉल नहीं किया। कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया?
संदीप है क्या? साहब नहीं है मैडम। संदीप? नहीं मैडम। संदीप? नहीं है मैडम। मैडम संदीप, संदीप, संदीप नहीं है, वो मर चुके हैं। हाँ बेटी, वो मर चुके हैं। ये लो उनकी डायरी। मेरी इस वीरान जिंदगी में सुहानी प्यार बनकर आई। उसके प्यार में समय का पता नहीं चला। लगता उसके प्यार के बिना मैं अधूरा हूं। लेकिन अनजाने में शारीरिक रूप से हम पास आ गए। उस पल से उससे मिलना कुछ अलग सा लगता है। अगले हफ्ते उसका बर्थडे है। उस दिन सुहानी को बर्थडे विश करके उसके माँ बाप से अपने प्यार की बात पता कर शादी कर लूंगा। जब तक उनसे बात नहीं करूंगा, बात नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी सुहानी। सुहानी उसके जन्मदिन पर संदीप के कॉल का इंतजार कर रही थी। लेकिन बेटी सुहानी, आज तुम्हारा जन्मदिन है बेटी। हर जन्मदिन पर तुम मेरे पास आकर मुझसे आशीर्वाद लिया करती थी बेटी। इस बार मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। सॉरी पापा। सॉरी किस बात की है बेटी? सुहानी, कुछ लोग लक्ष्य को पहले से ही तय करके सफर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग सफर करते हुए लक्ष्य की तरफ जाते हैं। बेटा फैसला तुम्हारा है, तुम जैसे भी जा सकती हो। तुम हंसते खेलते खुशी से रहो, बस यही हम चाहते हैं। उठो बेटी, तैयार हो जाओ, मंदिर चलते हैं। तब तक मैं मार्केट होकर आता हूँ। ठीक है पापा। अरे भैया कैसे दे रहे हो ये? कवर में डाल के दूंगा। हैं? मजाक कर रहे हो क्या? रात का पिया अभी तक उतरा नहीं है। अच्छा दे दो। क्या चाहिए, कितना चाहिए पहले ये बताओ। इतना चिल्लाते क्यों? ये लो इसे लेकर, इसे पूरा मिलाकर पैक कर दो। हाँ पूरा पैक करके दे दूंगा, तुम घर लेकर चले जाना। भैया जी। हाँ। अरे आप लोग तरकारी बेच रहे हो या कुछ और बेच रहे हो भाई? हाँ? सब खराब है, इसको खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे लगाया? 80 रुपए। हाँ। ए, उसे ऐसे क्यों निकाल रहे हो? ठीक है वो मुझे दो। ये लो। अरे कोका किसने यहाँ रखा? ले जा, भूल गया था क्या? अंकल हाँ? चाहिए। हाँ 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 सुनो। हाँ कहिए। ये दे दो। हाथ मत लगाओ। ये 2-3 माले और हाँ? खुले हुए फूल बांध कर दे। ओके अंकल। ए, चल रहे, चल जल्दी चल। ये मेरा है ना? हाँ हाँ। हाँ
भाई कहाँ हो तुम लोग? अभी सिटी पार किया भाई। सब कुछ सही कर दिया ना? हाँ सब कुछ ठीक कर दिया भाई। और कितना टाइम लगेगा? बस एक घंटे में आ जाएंगे भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरे रहते कैसा प्रॉब्लम है भाई, मैं सब संभाल लूंगा। और पूरी गाड़ी में गन बम होते हुए डर कैसा भाई? हमें देखकर सामने वाला डर जाएगा। बकवास बंद कर, कुछ गलत हुआ तो तुझे मार डालूंगा। प्रॉब्लम कैसे आएगा मेरे होते हुए? तेज चला गाड़ी, तेज चला जल्दी। फास्ट करना यार। तुम्हारा जन्मदिन, जल्दी जाना होगा, टाइम हो गया। मर गया साला। अरे संभल कर बेटी, सीढ़ियों से पैर फिसल जाएगा, धीरे धीरे नीचे आओ। प्रसाद खा लो बेटी। नीचे पापा।
सौ साल खुशी से जियो बेटी। मेरी उम्र तुझे लग जाए बेटी। चल दे। अरे देख लड़की है यार, क्या मस्त माल है यार। मैं माल है यार। अरे क्या कर रही है? अरे भागो। चंद्रा सिंह ने कहा, मैंने मार दिया। ए, इसे किस नंबर से फोन आया था देखो। हाँ ठीक है भाई। भाई ये तो लैंड नंबर है। उसको भी खत्म कर डाला। संदीप जी, सर सर उठिए सर। भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। इतने दिनों से वो कोमा में है, हमने पूरी कोशिश की है। संदीप, संदीप, व्हाट इज दिस? संदीप, संदीप, आप ऐसे बाहर नहीं आ सकते। प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझिए। संदीप, संदीप, प्लीज संदीप। गुड मॉर्निंग बेटे, आ गई तुम। अब खुश हो ना? ऐसे क्या देख रही हो?
केस बनेगा सोचकर डर रही हो। मैं देख लूंगा, कहा था ना, छोड़ दो। मार दिया, बताओ क्या हुआ? नहीं अंकल, नहीं मारा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे निशाना चूक गया क्या? शूट करने से डर लग रहा था क्या? दुश्मन मिला नहीं क्या? मिलने के बाद भी मार नहीं सके क्या? आखिर हुआ क्या, बताओ। किसी से बदला लेने के लिए रात को ही चले गई थी तुम? अगर हाथ में गन मिल जाए तो किसी को भी जान से मार सकती हूँ, कहा था तुमने। क्या हुआ? सब मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा कहा था तुमने। हर बार हारती जा रही हूँ कहकर निराश हो रही थी तुम। जीतने का मौका दिया था मैंने, लेकिन तुम रिस्क नहीं ले सकी। लाइफ में ऐसा दोबारा मौका मिलेगा क्या? अगर मौके का फायदा उठाती तो आज तुम खुश रहती। मौका मिलने पर भी तुम कुछ नहीं कर पाई, मतलब तुम डरपोक हो। तुम कुछ नहीं कर सकती, डरना तुम्हारी फितरत में है। मुझे बचाया इसलिए, तेरे दुश्मन को खत्म करने का मौका दे रहा था मैं तुम्हें। गर्व कर रहा था, बदला लेकर निडरता से उसे मार कर आओगी सोचा था, लेकिन तेरे हाथ में गन होते हुए, उसमें बुलेट होते हुए, तेरा दुश्मन सामने होते हुए भी तू उस पर गोली नहीं चला सकी। दुश्मन मिला नहीं क्या? मिलने के बाद भी मार नहीं सके क्या? आखिर क्या हुआ, बताओ। क्या बताऊं मैं, जहां जहां गई मुझे पता चला कि तुम्हीं ने मुझे परेशान किया है। मेरी जिंदगी ऐसी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अनीता की जिंदगी के साथ खेलने वाले उस होटल के चेयरमैन सिर्फ तुम हो। ये जानने के बाद मैं समझ गई कि तुम एक मतलब इंसान हो। होटल के एमडी कृष्ण प्रसाद ने इसे फंसा कर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटी। फिर मुझे पता चला कि संदीप के पिता तुम हो। इतने अच्छे इंसान का पिता ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचकर दुखी हुई। तुम एक लालची इंसान हो, लालची। साहब कहाँ गए पता नहीं है बेटी, पिछले 3 महीने से घर नहीं आए, पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुंडों के हाथों मेरे माँ बाप को मरवाने वाला और कोई नहीं सिर्फ तुम थे। तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। मरते मरते मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे माँ बाप की जान लेने वाला कृष्णा प्रसाद है। मैंने सोचा कि तुम जैसे राक्षस को मैंने क्यों बचाया। इतने बड़े पापी, इतने बड़े कमीनी इंसान को मैंने बचाया, ये सोचकर मैं बहुत दुखी हो रही थी। फिर मैंने सोचा तुम्हें मारकर मैं ही बदला लूंगी, तुम्हारी गन से मैं तुम्हें ही खत्म कर देना चाहती हूँ। पर क्या मैं ये कर पाऊंगी? तेरे हाथ में गन है, उस गन के अंदर एक बुलेट है, तेरा दुश्मन तेरे सामने है, बिना सोचे समझे शूट करो, शूट। शराफत के नकाब पहनकर सरकार और जनता को भरोसा दिलाने वाले, बहुत सारे गैर कानूनी काम करने वाले कृष्ण प्रसाद उर्फ केपीएन का सीबीआई द्वारा पकड़े जाने पर शहर में सनसनी फैल गई है। 3 महीने पहले सीबीआई को आए हुए फोन कॉल की वजह से स्टेट में वीआईपी बनकर रहने वाले कृष्ण प्रसाद के संबंधित गैंग को सीबीआई ऑफिसर संदीप ने अरेस्ट किया। वहां मिले गैंग के गुंडों से पूछताछ करने पर पता चला है कि राष्ट्र में होने वाले आतंक के लिए औजारों का आवागमन करने वाले, बहुत से माफियाओं का साथ देने वाले कृष्ण प्रसाद के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। बहुत सालों से पुलिस को चकमा देकर उनके हाथों से बच निकल कर जाने वाला, दूसरे देशों में छिपकर रहने वाला कृष्ण प्रसाद कल रात को पुलिस की नजर में आ गया।
पुलिस से बचकर भागते समय कृष्ण प्रसाद के कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारे घटनास्थल पर पहुंचने से पहले उन्हें बचाकर कोई ले गया। राष्ट्र में आतंक फैलाने वाले कृष्ण प्रसाद को जितनी जल्दी हो सके लाइव और डेड ले आने वाले को सरकार ने अच्छा इनाम देने का फैसला किया है। इसी बात को हम जारी रखेंगे पर कुछ ही देर में। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सही किया है तुमने। ऐसे लोग जिंदा रहेंगे तो देश को शमशान बना देंगे। सगा बाप था इसलिए अरेस्ट करने आया था। मेरा जो काम था तुमने कर दिया। तुम मारोगी तो गुनाह, मैं मारूंगा तो फर्ज। ऐसे क्या देख रही हो, मैं कैसे बच गया? मेरे ऑफिसर ने आकर मुझे बचा लिया, और क्या डाउट है? ये संदीप सीबीआई में कैसे? मुझे चैलेंजिंग जॉब बहुत पसंद है, लेकिन ये इन्हें पसंद नहीं था। सीक्रेट जॉब है ना, इसलिए मैं डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ। बहुत समझदार हो, इसीलिए तो तुम्हें सिलेक्ट किया है। मैं भी कोई ना समझ नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम्हें सिलेक्ट किया है। बदला सा मैं क्यों हूं, आकाश पे स्केटिंग मैं कर रहा। ऐसा कभी भी सोचा ना, ना जाने मुझको ये क्या होने लगा। बदला बदला सा मैं क्यों हूँ, आकाश पे स्केटिंग मैं कर रहा। ऐसा कभी भी सोचा ना, ना जाने मुझको ये क्या होने लगा। है ये मेरी आरज़ू, तुरुरुरु मीटिंग ख्वाबों में करूँ, मैं तुझको बाहों में भरूँ। तुम ही मेरी जाहो, तुम ही मेरी जुस्तजू, छू गई है दिल को ओ जाने जाना। फूलो जैसी तेरी प्यारी हंसी, सुहानी सुहानी कितनी मधुर है कहाँ।